नतीजों से पहले अमित शाह अपने साथियों का जायका बढ़ाने में और किस तरह से उन्हें एकजुट किया जाए इस कोशिश में लगे हैं आज शाम, इसीलिए एनडीए नेताओं की डिनर पार्टी बुलाई गई है। वैसे एग्जिट पोल ने पहले ही बीजेपी का मूड बना दिया है, अब आज शाम बीजेपी मुख्यालय में इसकी झलक भी दिखाई देगी। बीजेपी गदगद है, हौसले बुलंद है, आत्मविश्वास आसमान पर है। एग्जिट पोल ने ऐसा भरोसा दिया कि बीजेपी नेताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। ज्यादातर एग्जिट पोल में इस बार एनडीए को झोली भर भर कर सीटें दी हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया ने तो अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 339 से 365 सीटें दी हैं। बीजेपी खेमे में उत्साह की तस्वीर आज शाम को भी दिखाई देगी, जब पीएम मोदी और अमित शाह पार्टी के तमाम राजनेताओं से मिलकर एग्जिट पोल का जश्न तो मनाएंगे ही, डिनर डिप्लोमेसी से अमित शाह एनडीए के साथियों का जायका भी बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक शाम को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह केंद्रीय मंत्रियों से 4 बजे बीजेपी दफ्तर में मुलाकात करेंगे। बीजेपी दफ्तर में एनडीए के सहयोगियों के साथ मीटिंग होगी, इसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। शाम 7 बजे अमित शाह एनडीए के सहयोगियों को डिनर देंगे, नीतीश का आना भी तय हो गया है। अमित शाह ने मीटिंग में शामिल होने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी फोन किया है, हालांकि उद्धव लंदन में थे। डिनर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया गया है। 23 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम 300 से ज्यादा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाते दिख रही है, लेकिन डिनर डिप्लोमेसी से बीजेपी अपने साथियों को संदेश देना चाहती है कि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी उनके पांव जमीन पर हैं, उन्हें अपने साथियों का भी ख्याल है, सम्मान है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।